रूस के पड़ोसी किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान के सैनिकों में खूनी झड़प, 24 मरे और 87 घायल। जी हाँ, आपको बता दें, दुनिया में पिछले 7 महीने से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है। इसी बीच अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में भी जंग शुरू हो गई। अब सोवियत संघ का हिस्सा रहे किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान के बीच भी लड़ाई भड़क गई है। दोनों ओर से शुक्रवार को भारी हथियारों से हुई गोलीबारी में 24 लोग मारे गए हैं और 87 घायल हुए हैं। दोनों देशों ने इस झड़प का इल्जाम एक दूसरे के ऊपर लगाया है। सूत्रों के मुताबिक दोनों देशों के बीच छोटी मोटी झड़प इस हफ्ते से ही शुरू हो गई थी, लेकिन शुक्रवार को अचानक यह बड़ी हो गई। ताजिकिस्तान की सेना ने टैंक, आर्टिलरी और रॉकेट लॉन्चर के साथ किर्गिस्तान के सरहदी शहर बातकेन पर गोली और रॉकेट बरसाने शुरू कर दिए। अचानक शुरू हुए इस हमले से शहर में भगदड़ मच गई। हालत गंभीर होते हुए देख किर्गिस्तान की सरकार ने इमरजेंसी ऑपरेशन चलाकर शहर में रहने वाले 136,000 लोगों को वहां से निकाला। किर्गिस्तान बॉर्डर सर्विस के मुताबिक लड़ाई उस समय भड़की जब ताजिकिस्तान की सेना ने शुक्रवार सुबह किर्गिस्तान की सीमा चौकियों पर हमले शुरू कर दिए। इसके साथ ही बात के शहर के एयरपोर्ट पर मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से रॉकेट बरसाए गए। किर्गिस्तान सेना के मुताबिक ताजिकिस्तानी आर्मी ने शहर के सविलियन इलाके को भी नहीं छोड़ा और वहां भी बमबारी करके पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। इसके बाद किर्गिस्तान की सेना ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए ताजिकिस्तान के गांवों पर बमबारी शुरू की। दोनों देश पिछले साल भी आपस में भिड़ चुके हैं। उस वक्त पानी के अधिकार को लेकर दोनों देशों में विवाद भड़क गया था। साथ ही ताजिकिस्तान की सेना बॉर्डर की रखवाली के लिए सरहद पर कैमरे लगाना चाहती थी, जिसकी किर्गिस्तान की आर्मी विरोध कर रही थी। धीरे धीरे तनाव हिंसक झड़प में बदल गया और दोनों देशों की सेनाओं में गोलीबारी हो गई, जिसमें 55 लोगों की जान चली गई थी। तब से मामला ठंडा तो पड़ा था, लेकिन आपसी तनाव अंदर ही अंदर बना हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।